हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं, आपको सीधा इस कार्यक्रम में ले चलते हैं। उसके बाद जब हमारा हर उत्तर 10x10 आता है तो वो हम मैम को दिखाते हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो सुहानी आप? कक्षा 5 में पढ़ते हैं। अच्छा सुहानी, ये बताइए कि स्कूल की याद तो आ रही होगी। यस सर। हैं? तो फिर ये दीक्षा पर पढ़ाई का अनुभव कैसा रहता है? सर ये भी बहुत अच्छा रहता है, इस पर हम कार्टून पाते हैं और नई नई कहानियां और वीडियोस भी रहती हैं। लेकिन पहले से मोबाइल था या ये कोरोना के कारण लेना पड़ा, क्या हुआ? पहले तो दीपावली में ही हमारे लोग का मोबाइल आ गया था, क्योंकि कोरोना की वजह से दीदी को पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो दीदी ने पापा से कहा कि पापा हमें एक मोबाइल ले दीजिए, पापा ने ला दिया मोबाइल। तो तुम्हें मोबाइल मिल गया उसकी खुशी है कि दीक्षा पोर्टल पर पढ़ने को मिल रहा है इसकी खुशी है? सर दीक्षा पोर्टल पर पढ़ने में खुशी है। तुम्हारे और दोस्त पढ़ रहे हैं इसको? यस सर। तो तुम तो मोबाइल फोन पर दोस्तों से बातों करने में टाइम जाता होगा। अच्छा वीडियो गेम खेलती हो? यस सर, वीडियो गेम खेलते हैं हम। खेलते हैं कि नहीं खेलते? खेलते हैं सर। तो फिर पढ़ाई कब करोगे? पढ़ाई हम 1 घंटा करते हैं और फिर 1 घंटा घर का काम करते हैं, मम्मी का हेल्प करते हैं। हाँ। अच्छा प्रतिमा जी, आपसे भी थोड़ा मैं बात करूंगा। आप ये बताइए कि दीक्षा के लिए आपने खुद को कैसे तैयार किया? सर दीक्षा पोर्टल बहुत ही उपयोगी है, हम तो 2018 से इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी पेंडेमिक में जब सर फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पा रही है, उस वक्त दीक्षा पे 1,62,000 तरह तरह के जो कंटेंट्स हैं वो हमें बच्चों के साथ साझा करने में बहुत ज्यादा आराम मिल रहा था, जिससे बच्चे इंटरैक्टिव फॉर्म में वीडियोज को देख करके, सबसे बड़ी बात सर ये है कि हम देश के किसी भी कोने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नेटवर्क नहीं है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं कंटेंट्स को, और जो कंटेंट्स है वो कई वैरायटी के हैं, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, उसमें ऑडियो वीडियोस भी हैं, जो कि बच्चों को कार्टून्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि हमारे राज्य में पहले से इसकी तैयारी थी, हमारी पाठ्य पुस्तकों पे QR कोड प्रति पाठ लगा हुआ है, और जैसे ही अगर किसी बच्चे को लिंक नहीं मिली, जैसे इस बच्चे के पास मोबाइल है उसने लिंक यूज किया, तो अगर नहीं मिली तो वो पाठ्य पुस्तक से वो QR कोड स्कैन करके कंटेंट को देख सकते हैं। सर इसमें कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी की भी जानकारी भी जरूरी है क्या? कुछ टीचर्स को इसमें समस्याएं भी आती होगी क्या? हर एक को तो टेक्नोलॉजी का स्वभाव नहीं होता है। जी सर, असल में दीक्षा पे 3200 कोर्सेज हैं जो टीचर्स कर सकते हैं, मैंने खुद 100 कोर्सेज पिछले एक पेंडेमिक में कंप्लीट किया है, more than 100। यहाँ पे एक लर्नर पासपोर्ट बनी है। 100 कोर्स करने में कितना टाइम गया आपका? सर टाइम तो वो दीक्षा पोर्टल के मैट्रिक्स में से पता चल पाएगा, लेकिन पिछले 1 सालों में मैंने इतने सारे कोर्सेज किए हैं, और उस पर एक सर सर्टिफिकेशन फैक्टर जो है वो बहुत टीचर्स को मोटिवेट करता है, ये अभी नया ऐड हुआ है, और लर्नर पासबुक में हमारे सारे सर्टिफिकेट्स दीक्षा पोर्टल पे स्वतः सुरक्षित रहते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे तो मैं अभी मेरे जितने कोर्सेज हैं उनका सर्टिफिकेट्स ऐसे दिखा सकती हूँ। और जो प्रॉब्लम आती है दीक्षा पोर्टल पे, एक हेल्प और सपोर्ट के लिए पहले से बना हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है, साइड में एक ऐप आता है हेल्प, उसको क्लिक करना है और हम अपना जैसे ही कंप्लेन दर्ज करते हैं दीक्षा से, वापस हमारे लिए एक टिकट जनरेट होकर के हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, फिर वो हमें कॉन्टेक्ट करते हैं। आप सब अनुभव कर रहे हैं कि शिक्षा का डिजिटल होना आज एक प्रकार से समय की मांग है, कोरोना ने इस परिवर्तन को थोड़ा तेज भी कर दिया है, और दीक्षा जैसे अनेक प्लेटफॉर्म तैयार करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाई को बेहतर बनाया जा सके। अब तो कोशिश ये है कि गांव-गांव में अच्छी और सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, सस्ते मोबाइल
और दूसरे माध्यम उपलब्ध हो, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अपनी सुविधा के हिसाब से अच्छी पढ़ाई कर पाए। मुझे अच्छा लगा प्रतिमा जी और सुहानी, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अब हम इनाम स्कीम की ओर चलेंगे, जिसके तहत किसान अपनी फसल की उपज को सीधे ऑनलाइन बेच सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी श्री प्रहलाद जी हमारे साथ हिंगोली महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। प्रहलाद जी नमस्ते। नमस्ते सर। प्रहलाद जी, मुझे बताया गया कि आपको इनाम योजना का बहुत लाभ मिला है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। हाँ सर, मेरा नाम प्रहलाद रामराव बोरगढ़ है। मैं सातेफल गांव तालुका बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से हूँ। और ये जो इनाम का प्लेटफॉर्म है, इसका हमने 2018 से काम इसमें चालू किया। और इसमें हमारे जैसे जो किसान हैं और भी छोटे छोटे किसान हैं, वो अपना जो फसल है वो इनाम के माध्यम से अच्छी तरह से बेच पा रहे हैं। और इसका जो मूल्य है वो भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। पहले जो मार्केट का सिस्टम था उससे ये बहुत लाभकारी साबित हुआ है। और इससे पेमेंट भी अच्छी तरह से जल्दी मिलता है, उसमें गतिमानता भी बहुत है। हमारे मंडी में पूरे दिन में दिन भर 1000 से देकर 2000 तक की बोरी बेची जाती थी, लेकिन अभी इनाम के माध्यम से लगभग 2 घंटे में 4000-5000 बोरी का भी ऑक्शन हो रहा है। न्यू इंडिया के डिजिटल संवाद में हम दोबारा लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।